जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा आज वृक्षों के रखरखाव को लेकर निरीक्षण किया गया और वृक्षों के रखरखाव को लेकर पाई गई कमियों को सुधारने के निर्देश भी दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीक्षा द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश पर किए गए वृक्षारोपण के रखरखाव को लेकर निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा जनपद के राया बलदेव क्षेत्र में भी निरीक्षण किया गया। सचिव दीक्षा द्वारा बताया गया है कि आज उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश पर किए गए वृक्षारोपण के रखरखाव को लेकर निरीक्षण किया गया है। यह वृक्षारोपण उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश पर 15 से 16 तक किया गया था। वृक्षों को रखरखाव में जो कमियां मिली हैं उनको सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। किस चीज का निरीक्षण किया गया? माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार जो ताज ट्रपीजियम जोन है उसमें प्लांटेशन हुआ था सन 2015 और 16 में, क्योंकि जब हाईवेज बने थे तो काफ़ी पेड़ कटे थे, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत मथुरा की सभी रेंजेस में वृक्षारोपण किया गया था भारी संख्या में। उन्हीं की रखरखाव के लिए क्वार्टरली इंस्पेक्शन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, तो आज उसी के लिए मैं बलदेव और मार्ट के निरीक्षण पर आई थी। पेड़ों की रखरखाव ठीक है, बस थोड़ी यहाँ पे जो भी कमी पाई गई है उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। रेंजर बलदेव रेंज जो है उन्हें बता दिया गया है और उचित निर्देश दिए गए हैं। रखरखाव ठीक है पेड़ों का, माननीय उच्चतम न्यायालय को इसकी रिपोर्ट। अच्छा मैडम, जो कमी मिली है वो किस तरह की कमी पाई गई है? देखिए, वो थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि फेंसिंग कई जगह से टूट गई है जिससे जानवर अंदर जा सकते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा टेम्प्ररी व्यवस्था की गई है जहां भी टूटी हुई है कि जानवर अंदर ना जाएं, पेड़ों को क्षति ना पहुंचे। बाकी सिंचाई का काम ठीक है, पेड़ों की स्थिति ठीक है। इस समय पतझड़ का मौसम है तो पत्ते गिर रहे हैं। आगे के लिए क्या रणनीति की गई है पेड़ों को लेकर के, क्योंकि पेड़ों में बहुत नुकसान पाए जा रहे हैं, कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं इस समय, तो उनके लिए क्या कुछ? नहीं, इनके द्वारा समय समय पर उसमें छिड़काव भी किया जाता है, पानी